राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्जी बाड़ी लगाकर जिंदगी सवार रहे हैं ग्रामीण किसान कार्तिक रामचंद्रा। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक माल खुर्दा के ग्राम चिखली के प्रगतिशील ग्रामीण किसान कार्तिक रामचंद्रा ने दुर्ग जिले के किसानों से शिमला मिर्च के पौधों को खरीदा और लगाने के तरीकों की जानकारी ली। अब खुद लगभग 25 एकड़ खेतों में अलग अलग किस्म के शिमला मिर्च एवं लौकी बरबट्टी कुंदरू सब्जी की खेती कर जिंदगी संवार रहे हैं। हम आपको बता दें कि ब्लॉक मालखुर्दा क्षेत्र के ग्राम चिखली के प्रगतिशील किसान कार्तिक रामचंद्रा ने बेरोजगारी को मात देकर खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। वह ग्राम नवागांव व मुरलीडी में रेगा लीज में 25 एकड़ खेती लेकर 5 सालों से शिमला मिर्च की खेती, 4 एकड़ में 5 एकड़ में लौकी एवं 3 एकड़ में बरबट्टी, 5 एकड़ में कुंदरू एवं बाकी खेतों में गोभी करेला धनिया सहित अन्य सब्जियां उगा रहे हैं। शिमला मिर्च की खेती 4 एकड़ में लगाया गया है। सब्जी बाड़ी के देखरेख के लिए 25 मजदूर हर रोज काम कर रहे हैं जो नियमित नर्सरी में लगे सब्जियों में दवाई खाद साथ में घास की सफाई करते हैं। कार्तिक रामचंद्रा द्वारा शिमला मिर्च की खेती ड्रिप पद्धति से माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाए गए थे जो 15 सितंबर के महीने में शिमला मिर्च का फल निकलना शुरू हो गया है। शिमला मिर्च के पौधे लगाए जो अब शिमला मिर्च के पेड़ों में फल चुका है जिसे रोज मजदूरों द्वारा तुड़ाई किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 क्विंटल शिमला मिर्च की तुड़ाई किया जाता है। यह मार्च महीने तक रहेगा। प्रति पेड़ लगभग 15 किलो शिमला मिर्च फल का उत्पादन हुआ है। अभी बाजार में शिमला मिर्च की कीमत थोक में औसत रेट 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। इसे बाहर राज्य के व्यापारी बिहार झारखंड एवं स्थानीय मंडी रायगढ़ व शक्ति से आकर व्यापारी खरीद कर ले जा रहे हैं। प्रगतिशील किसान कार्तिक रामचंद्रा ने बताया कि 4 एकड़ शिमला मिर्च की खेती में सालाना लगभग 6 से 7 लाख की आमदनी हो जाता है। अभी लौकी की खेती ड्रिप पद्धति से लगाया गया है। लौकी के पौधे उग चुके हैं, उसमें लकड़ी लगाकर धागे बांध रहे हैं जो गर्मी के महीनों में पैदावार होगी। वहीं बाड़ी से हर रोज कुंदरू करेला बरबट्टी झुंगा बाजार में थोक भाव से बेच रहे हैं। कार्तिक रामचंद्रा ने बताया कि सभी सब्जियों के फसलों में प्रति एकड़ 1 लाख से 1.5 लाख हो जाती है। साल में 25 लाख तक की आमदनी 25 एकड़ के सब्जी खेतों में होती है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में विशेष संवाददाता धनाऊ राम आदित्य के साथ। बाड़ी में काम करथन और शिमला मिर्ची लौकी और मिर्ची उर्ची जगाए थे कर देख रेख करथन दवाई माटी वा देथन हाँ, और 25-20 दिन काम करे आथन। और कै साल हो गए अपन काम करत हैं? 5 साल हो गए हम लोग काम करे। अच्छा, कतेक आदमी काम करत है? 20-25 दिन। अच्छा, दारे मैं कार्तिक रामचंद्रा के यहाँ काम करता हूँ जो शिमला मिर्चा बाड़ी लगा है, बरबट्टी है और वगैरह वगैरह कुछ सामान है, मिर्चा है और परवल है, बरबट्टी है, देख रेख करता हूँ। जो 5 साल से मैं काम करा था यहाँ, सब दवा माटी खाटी वहाँ चला था सब। कतेक आदमी काम करा था यहाँ? 20-25 जहाँ 5 साल हो गए हमारे काम। 180 रुपया दी थी। मैं कार्तिक रामचंद्रा ग्राम चिखली मालखुर्दा से, मैं नवागांव में खेती करता हूँ लीज में लेके और मुरलीडी में, दोनों जगह मोर खेती चलते है। लगभग 22-25 एकड़ मोर खेती है और मैं शिमला मिर्ची लगाए हैं और 4 एकड़ में बरबट्टी लगे, 2-3 एकड़ में और लौकी लगे 5 एकड़ में और कुंदरू लगे है। और शिमला मिर्च के कब लगाया पौधा ला, कत का उत्पादन होते और कत का फायदा होता बतावा? शिमला मिर्ची मैं लगा रहे हैं 4 अगस्त तक समथिंग, और 4 अगस्त तक लगाए हैं, उकर बाद वह लगभग 15 सितंबर के चालू हो निकलेंगे। और एक पौधा में लगभग 10 से 15 किलो उत्पादन है और प्रति किलो 15 से 20 रुपए के औसत रेट है। अपन शिमला मिर्च के टोरा सा तला कहाँ कहाँ बेचा था? अभी रायगढ़ मंडी जाते, शक्ति जाते, कोरबा जाते, झारखंड जाते, बिहार जाते। और आप मतलब साल में कतका आमदनी हो जाते शिमला मिर्च से? 4 एकड़ में जो लगाए थे मैं लगभग 6-7 लाख रुपया उमर से प्रॉफिट मिली है मतलब। हाँ,